आप देख सकते हो गरीब नवाज की बारगाह पे चांदी का ताज पेश होने के लिए आ चुका है, पंचतन की चादर आ चुकी गरीब नवाज की बारगाह पे पंचतन के नाम की। अजमेर शहीद दरगाह पे हर साल की तरह इस साल भी किन्नर समाज के लोग चादर लेकर के आते हैं, जो इनकी चादर दरबारे गरीब नवाज की बारगाह पे हर साल की तरह इस साल भी देखिए माशाल्लाह बहुत ज्यादा लंबी खूबसूरत चादर लेकर के आए हैं। ये चादर आप लोगों की कहाँ की है? तो आप देख सकते हो कब्रिस्तान के अंदर आज मस्तान मंगल लोगों ने सजावट कर रखी है। तो ये सजावट क्यों करते हैं तो पूरी जानकारी करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। बेशक कि आपका नाम मिट्टी अली शाह बाबा क्यों पड़ा? ऐसा है, आज से 30 साल पुराना दौर है जी। 30 साल पहले मैं जंगलों में रहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो पांडे आज का ब्लॉग हमारा ये कि हम लोग जा रहे हैं अजमेर शहीद दरगाह पे, जहाँ पे पेश होने वाली चांदी की चांदी का ताज पेश होने वाला है। तो चांदी का ताज कौन पेश कराते हैं तो पूरी जानकारी खाली उपलब्ध करके आप बताएंगे। और अभी अजमेर शहर का क्या माहौल है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चादरें आ रही है और हमारे बाबा मस्तान लोग किस तरीके से लंगर याम करा रहे हैं, चलो वो भी जानकारी करके आपको बताते हैं। डायरिंग की चौकी चलता ये देखिए माशाल्लाह, आज ये दिल्ली गेट एरिया का माहौल है। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं, इतनी ज़्यादा क्राउड यहाँ पर आते हैं माशाल्लाह। ये करम नहीं तो क्या है। क्या बात है, ये चादर कहाँ से आई है? ये चादर कहाँ से आई आप लोगों की? बरेली से। ये देखिए बरेली वालों की चादर आ गई है, हर साल की तरह इस साल भी बरेली वालों की चादर आ गई। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और बड़ी चादर लेकर के आए बरेली वाले। ये देखिए सुभान अल्लाह, बरेली वालों की चादर आ गई है अजमेर शहीद दरगाह पे पेश होने के लिए। सुभान अल्लाह। देखिए बरेली वालों की चादर है। वालेकुम सलाम। वीडियो देखते हो मेरी? बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो शेयर करते रहिएगा। कहाँ गए हजरत? देखिए कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है, बहुत ज़्यादा क्राउड ज़्यादा तादाद में आया है, जारी ने ख्वाजा आ चुके हैं। जहाँ पर भी देखो पैर रखने की जगह नहीं है। आप देखिए साल भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्यारी देखिए चादर आई है अजमेर गरीब नवाज के बारगाह में पेश होने के लिए। गरीब नवाज के बारगाह पे हर साल की तरह उसके मौके पे देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी चादर आई है माशाल्लाह। ये चादर कहाँ की है? कहाँ की है? इटावा से आई है माशाल्लाह। अजमेर शरीफ में हूँ और माशाल्लाह खासी तादाद में उसके मौके पे जारी ने ख्वाजा आ रहे हैं, जो कि हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इनका तहे दिल से शुक्रिया।
और मेरी वीडियो को देखते हैं। ये हमारे भाई है, मुंबई से आए हुए हैं, जो कि हज उमरा टूर चलाते हैं माशाल्लाह। तो इनका भी तहे दिल से शुक्रिया, इतना सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार हम इनके साथ में टूर करेंगे फिलिस्तीन का इंशाल्लाह। मस्जिद अक्सा, फिलिस्तीन, इनके साथ जाएंगे, कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वापस एक बार फिर सऊदी अरब यानी हज उमरा में जाऊँगा तो भाई के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। और सारे हमारे भाई लोग बैठे जो हमारी वीडियो को देखते सपोर्ट करते हैं। ये हमारी चाची है जो हमारी सारी वीडियो देखते हैं। अच्छा, लखनऊ से माशाल्लाह, बहुत कुछ बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी में कहाँ से हो? माशाल्लाह हर जगह से लोग आए हैं, तो चलते हैं अभी माहौल दिखाते हैं। और आपको बता दूं, ये मेरे मामा के आगे चाय की दुकान है। किसी को भी मिलना हो दिल्ली गेट के बाहर सोमराज होटल के बाजू में आगे की स्टॉल मिल लेना, मैं मिल जाऊंगा। यहाँ ये मेरे मामा की दुकान है। और आप देख सकते हो यहाँ पर नागपुर वालों की बाबा ताज वालों की चादर आ चुकी है हर साल की तरह। इस साल भी मैं इंशाल्लाह शाम को पूरा अपडेट देता रहूँगा इंशाल्लाह। तो देखिए बाबा ताज की तरफ से हर साल की तरह यहाँ पर चादर लाते हैं और इस बार भी चादर आ गई है। यहाँ का पूरा वीडियो अलग से बना के मैं डालूंगा इंशाल्लाह और आप लोगों को पूरा वीडियो बताऊंगा। और अभी हमारे भाई न्यूज रिपोर्टर आ चुके हैं यहाँ पे, न्यूज करेंगे पूरा। देखिए सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत प्यारी चादर यहाँ पर जा रही है माशाल्लाह। तो देखिए अजमेर शरीफ दरगाह पे हर साल की तरह इस साल भी किन्नर समाज के लोग चादर लेकर के आते हैं। जो इनकी चादर आएगी वो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। बराबर मिल गया हमारी वीडियो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस आप लोग। कहाँ से आप लोग? बनारस वाले, अभी तो बनारस आके गया था माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। तो देखिये दरबार गरीब नवाज की बारगाह पे हर साल की तरह इस साल भी देखिये माशाल्लाह बहुत ज्यादा लंबी खूबसूरत चादर लेकर के आए हैं। ये चादर आप लोगों की कहाँ की है? यूपी से। कहाँ से? यूपी अकबरपुर से लेकर के आए हो। तो ये चादर जो है कितनी मीटर लंबी होगी? 42 मीटर लंबी है और चौड़ाई मतलब काफी बड़ी चादर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए गरीब नवाज सरकार की बारगाह पे हर जगह से चादर लेकर के आते हैं। ये यूपी अकबरपुर वाले हैं माशाल्लाह, काफी खूबसूरत प्यारी चादर को लेकर के आए हैं। और ये देखिए दरबार गरीब नवाज में हर साल की तरह इस साल भी काफी खूबसूरत प्यारी और बड़ी चादर देखिए आ गई है। और यहाँ पर हजरत है, अभी हजरत से ही थोड़ी सी
जानकारी लेंगे, आपको बताएंगे। ये देखिए आइए, सलाम वालेकुम। आइए आइए हजरत साहब, में ये देखिए हजरत चादर को लेकर के आए जी। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, आपकी चादर कहाँ से लेकर के आए आप लोग? यूपी से लेकर के आए हो? कितने समय से चादर लेकर के आ रहे हैं आप लोग? 25-30 साल से। ये कितनी बड़ी चादर होगी हजरत आपकी? ये तो छोटी हो गई, 42 मीटर की रहती है। अच्छा, पहले कितनी बड़ी लेके आते थे आप? 42 मीटर की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दरबार गरीब नवाज की चौखट पे हर साल की तरह इस साल भी छोटी हो या बड़ी हो या कहीं हिंदुस्तान के कोई भी कोने कोने से चादर को लेकर के आते हैं, दरबार गरीब नवाज में पेश करते हैं। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद नवाब अशरफी चिश्ती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे भाई है गुजरात वाले, गुजराती छे माने तो गुजराती खबर पड़े छो। गुजरात में क्या नाचो तमे? जामनगर। जामनगर वालू से मारो वीडियो पूरा देखो से। हाँ हाँ, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा है माहौल इस बार? वालेकुम सलाम बाबा, बढ़िया है। तो देखिए हमारे भाई लोग आए जो जामनगर से हमारी वीडियो देखते हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया सारे भाई लोग। अरे ये मेरा भाई साथ में ही है। ठीक है, क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के लिए? कैसे लगती है हमारी वीडियो, कैसे लगती है? माशाल्लाह भाई, मतलब अजमेर की पल पल की न्यूज मालूम पड़ती रहती है और मालूम पड़ती रहेगी इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप देख सकते हो अजमेर शरीफ दरगाह पे कितनी ज़्यादा तादाद में ज़ायरीन ख्वाजा हैं। आज देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड ही क्राउड है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत प्यारा मंजर है। उर्स के मौके पे ज़ायरीन ख्वाजा का देखा। और अब आप लोगों को अंदर ले चलते हैं जहाँ पे चांदी का ताज पेश होने वाला गरीब नवाज की बारगाह पे, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। दरगाह पे कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है माशाल्लाह। तो आप दरबार के अंदर जा रहे हैं, कैसा माहौल है वहाँ पर भी दिखाते। देखिए खचा खच भीड़ बढ़ी हुई है, जारी ने ख्वाजा खासी तादाद में आज जरूरत के लिए दरबार गरीब नवाज पे आए हुए हैं। और ये सामने आप देख सकते हो कितना खूबसूरत प्यारा चांदी का ताज बना करके लेकर के आए जारी ने ख्वाजा माशाल्लाह आज, और गरीब नवाज की बारगाह पर ये पेश करेंगे। और जो भी जारीन किसी कारण से नहीं आ पाता है, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि गरीब नवाज की बारगाह पर आ पाए और वो भी जरूरत कर पाए। और इस तरीके से नजर आना है तोहफा गरीब नवाज की बारगाह पे खुदा मजरत के हाथों जो पेश करते हैं पेश करें। और काफ़ी अच्छा माहौल है, आप लोग अजमेर शरीफ दरगाह पे आके जरत कर सकते हैं और अपनी मन्नत मुरादें मांग सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हो मैं दरगाह शरीफ में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मोहम्मद हलीम खान साहब हमारे मिले हैं, जो कि जारीन ख्वाजा को देख सकते हो कुछ इस तरीके से तबारुक के तौर पर मिठाइयाँ तकसीब कर रहे हैं देख सकते हो। और अजमेर शरीफ में दरगाह में कुछ इस तरीके से उर्स मनाया जाता है, उर्स में आपको जगह जगह लंगर न्याज और तबर्रुक कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो माशाल्लाह अभी चादर पेश होगी, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे बड़े भाई हलीम खान साहब ने कितनी खूबसूरत प्यारी चादर को लेकर के आए हैं, जो कि दरबार गरीब नवाज की बारगाह पर पेश करने के लिए जा रहे हैं। पंचतन पाक का देखिए निशान है माशाल्लाह, और चादर दरबार गरीब नवाज में लेकर के आए, जो कि इसमें खासी लोग तादाद में शिरकत ले रहे हैं देख सकते हो। ये यूपी, बिहार, बंगाल और अदर स्टेट के भी इसमें देख सकते हो हैं जारी ने ख्वाजा। और माशाल्लाह जैसे कि मुझे बताया गया कि 42 मीटर की चादर है ये, और काफ़ी खूबसूरत चादर है देख सकते हो। तो 42 मीटर की चादर दरबार गरीब नवाज में पेश कर रहे हैं और लंगर नवाज भी यहाँ पर इस तरीके से करा रहे हैं माशाल्लाह ये लोग। आमीन।
जी तमाम लोगों की तरफ से यही चादर पेश हो रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी नवाज जिन लोगों की भी दुआओं के लिए हाथ ला दुआ करी थी उन सब की तरफ से चादर का तोहफा पेश करने जा रहे हैं रमजान के तोहफे को। आमीन। करम फरमाओ, करम फरमाओ। आमीन। بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غریب نواز انشاءاللہ یہ چادر پیش ہو رہی ہے یہ جنتی دروازہ سے داخل ہوتے ہوئے انشاءاللہ چادر شریف تو آپ دیکھ سکتے ہو دربار غریب نواز کی بارگاہ پہ چادر پیش ہونے جا رہی ہے اور اب پورا انٹرویو لے کے جانکاری تو آپ دیکھ سکتے ہو میں درگاہ غریب نواز کی بارگاہ پہ پہنچ چکا ہوں جہاں پہ ہمیں خادم صاحب ملے ہیں اور خادم صاحب کے مہمان بھی موجود ہیں جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں نے دیکھا آج میں درگاہ میں چادر پیش ہوئی جی جی آج جو ہے ماشاء اللہ 812واں عرس مبارک آپ سب زائرین زائرین خواجہ اور محبان غریب نواز کو بہت بہت مبارکباد اور یہ جو ہے بہت ہی شاہانہ عرس ہے اس وقت بھی کافی زائرین آئے ہوئے ہیں اس وقت کے اندر اور ہمارے یہ علیم خان صاحب جو ہے ہمیشہ ہر سال جی 42 میٹر کی چادر لے کر آتے ہیں اور یہ بذریعہ ان کی ہوتی ہے اس میں جھارکھنڈ کے کافی لوگوں کا شرکت رہتی ہے جی اور اس میں یو پی والے بھی ہیں اس میں بہار والے بھی ہیں اور بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ میں غریب نواز کے اندر چادر کا تحفہ غریب نواز کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور دھنباد کے کافی لوگ جو ہیں جو غریب نواز کے چاہنے والے ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں جی اور کافی غریب نواز کے چاہنے والوں کا اس کے اندر حصہ رہتا ہے تو یہ بذریعہ ہمارے علیم محمد علیم خان صاحب جو ابھی ریلوے سے ادھیکاری تھے جو ریٹائر ہو گئے ہیں یہ ہر سال لے کے آتے ہیں بذریعہ میرے چڑھتی ہے دربار شریف کے اندر وہ چادر پھول جی نظر و نیاز کا بھی ان کا سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے جی اور ان کا لنگر کا بھی دربار عالیہ کے اندر لنگر کا بھی رہتا ہے جی جو ہر سال یہ بناتے ہیں چٹی شریف کے اوپر اور کافی زائرین وہ لنگر کو جو ہے کھاتے ہیں یہاں پر یہ سب کو اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ میں یہ کھلاتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کتنی بڑی چادر آج پیش کری آپ لوگوں نے آج میں نے پیش کی ہے 42 میٹر کی چادر جی بات ذریعے سید احمد علی چشتی جی محمد چشتی کے ذریعے پیش کی ہے 42 میٹر کی چادر اور لنگر پیش کیا ہے میں نے چکن بریانی کی جی اور غریبوں میں تسکین کی ہے اس کا جی اور یہ ہر سال چونکہ ہم کرتے ہیں 5 سال مجھے آئے کتنے سمے سے کرتے ہوئے ہو گیا آپ کو یہ مجھے یہ آپ کا 2022 سے میں کر رہا ہوں 22 23 24 یہ 3 سال ہو گیا ادھر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جب جب موقع ملے گا تب تک کرتے رہیں گے تو ہر سال کچھ نیا کریں گے آپ ہر سال کچھ نیا کریں گے ٹھیک ہے بہت اور اس کے بعد بھی ابھی جہاں جہاں عرس لگے گا جیسے تارہ گڑھ ہوا تاکہ سید ہوا بڑے صاحب زادے کے یہاں ہوا خائر صاحب کے پوتے کے بجاج میں ہوا جی غوث پاک کے پوتے کے بجاج میں ہوا وہ سارے جگہ اس میں جا کے پھر چادر پیش کریں گے ہم اور سبھی کے لیے دعا کریں گے بے شک سبحان اللہ کیا نام ہوگا آپ کا جی میرا نام محمد حلیم خان ہوا پہلے تو دھنباد جھارکھنڈ میں تھے ابھی چونکہ اجمیر شریف میں بس گئے ہیں سرکار نے اپنے قدموں میں بسا لیے یہی بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا نام کیا ہوگا جو میرا نام ہے بھائی حاجی سید احمد علی چشتی نیاز ٹھیک ہے خدا میں خواجہ غریب نواز ٹھیک ہے بہت آپ دیکھ سکتے ہو دربار غریب نواز میں پہنچ چکا ہوں جہاں پہ آج خاصی تعداد میں زائرین خواجہ آئے ہوئے ہیں جی السلام علیکم جی کہاں سے آئے آپ میں بھاگلپور بہار سے آیا ہوں جی آج کس طریقے سے عرس منا رہے ہیں آپ لوگ اور کیسا ماحول ہے آج بہت اچھا ماحول ہے غریب نواز میں بار بار آتا ہوں یہ 23واں بار ہے ہمارا جی سرکار غریب نواز کا بہت بڑا نظر و کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہر سال ہمیں بلاتے ہیں جی جی بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر آنے کے بعد ساری زندگی کا غم بھول جاتا ہوں اس دربار میں آنے کے بعد بہت سکون ملتی ہے کتنے آدمیوں کا گروپ آیا تھا آپ کا جی ہمارا تو فیملی ممبر میں سے سب لوگ آئے ہیں جی 5 آدمی کا گروپ ہے اچھا اچھا ماشاء اللہ تو اچھے سے زیارت ہو گئی بہت اچھے سے
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हो ये जन्नत होटल है और हम लोग जा रहे हैं बाबा मस्तानों के पास में, जहाँ पर बाबा मस्तान लोगों ने लंगर का इंतजाम करा हुआ है। और आज और एक चीज़ और बताएंगे कि बाबा मस्तान लोग कब्रिस्तान में क्यों रहते हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलो चलते हैं, जानकारी देते हैं आपको, बताते हैं। ये अंदर कोट ढाई दिन के झोपड़े में जाने वाला रास्ता है, देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा तादाद में जा रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है। बढ़िया भाई, वीडियो शेयर करते रहिएगा। वालेकुम सलाम, वीडियो शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, दुआओं में याद रखिए। दरबारे कई नवाज की बारगाह से हम लोग जा रहे हैं ढाई दिन के झोपड़े की तरफ, जहाँ हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हो ये हम लोग पहुंच गए त्रिपोली गेट पे, जहाँ पे बाबा मलंग लोग आगे मिलेंगे हमको। अब पूरा माहौल होगा जो आप लोगों को दिखाएंगे डाइजिंग के झोपड़े के पास का। इंटू भाई कैसे लग रहा है अजमेर की गलियों में? धक्का दुक्की बढ़िया भाई, बढ़िया। मेले का टाइम है तो धक्का दुक्की लगेगा। देखिए बाबा मलंग लोग इस तरीके से, सॉरी, इसे बाबा लोगों की मदद करते रहा करे। क्या करे साहब, सब खैरियत? खैरियत। एक चीज आपको बता दें, हमारे अजमेर शरीफ में जब आप आएंगे ढाई दिन के झोपड़े की तरफ जाएंगे, तो आपको मोहब्बत से और प्यार से शरबत पीने को जरूर मिलेगा। और हमारे प्यार और मोहब्बत से शरबत पिलाते हैं भाई। नफरत मोहब्बत ये पेशे नफरत भी है क्या? नफरत नहीं, यूट्यूब चैनल है क्या? अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारे भाई कैसा लगा मोहब्बत का शरबत? अच्छा लगा भाई, एक नंबर का है भाई, एक नंबर। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब का प्यार है और अजमेर आने के बाद ये मोहब्बत का शरबत, क्या बात है, क्या कहना है, माशाल्लाह। चैनल का नाम क्या है? थैंक यू खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा शरबत? बहुत बढ़िया भाई, शरबत है क्या चीज है भाई, मोहब्बत ही मोहब्बत है, ठीक है। और मैं पहुंच चुका हूँ ढाई दिन के झोपड़े के बाहर। आप ये देखिए इमाम बारगाह ढाई दिन का झोपड़ा, कितना खूबसूरत माहौल है। सुबह तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गली के अंदर, हम लोग गली के अंदर से गुजर के जा रहे हैं और कितने ज़्यादा क्राउड आया हुआ है गरीब नवाज की बारगाह पे, कि आप देखिए ढाई दिन के झोपड़े में भी आपको जगह जगह गरीब नवाज की बारगाह में जो जारीन ख्वाजा आए हुए हैं, तो उसी तरीके से ढाई दिन के झोपड़े में भी आए हुए हैं और यहाँ पर नमाज पढ़ करके अपनी मन्नत मुरादें मांगते हैं और दुआएँ करते हैं और ढाई दिन के झोपड़े भी घूम लेते हैं और यहाँ से ताड़ागढ़ भी जाते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है ढाई दिन के झोपड़े का। भाई अपना फोटोग्राफर है, भाई फोटोग्राफर है, कहाँ से हो भाई? झोपड़े का अजमेर, राजस्थान भाई। राजस्थान से हो भाई? हाँ भाई, लोगों को कब से रिक्वेस्ट है, फोटो वगैरह खिंचाना हो तो हमारे से फोटो खिंचाना। ये ढाई दिन का झोपड़ा है, पांचों टाइम की नमाज होती है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है मैंने ढाई दिन के झोपड़े की पूरी हिस्ट्री बता रखी है, वीडियो बना रखा है, बट अगर आप चाहेंगे कमेंट करके तो मैं एक बार और अच्छे से बना दूंगा यहाँ का वीडियो। कहा जाता है ढाई दिन में जिन्नातों ने इसको तामीर करा था। ये ढाई दिन का झोपड़ा है, यहाँ पे बहुत भीड़ है, ढाई दिन खा जाए हुए हैं बहुत दूर दूर से और काफ़ी खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है माशाल्लाह। अभी थोड़ी देर के बाद नमाज होने वाली मगरिब की, अपन नमाज पढ़ के। तो फाइनली अब हम लोग चलते हैं बाबा मस्तानों के पास में। ये पूरा अंदर कोर्ट की तरफ का रास्ता है और कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है, देखिए चारों तरफ आपको क्राउड ही क्राउड नजर आएगा। और ढाई दिन के झोपड़े से यहाँ पे हम लोग कट रहे हैं, यहीं पर बाबा मलंग लोग हमको मिलेंगे और अभी हम उन्हीं से जानकारी करके बताएंगे कि वो लोग कब्रिस्तान में क्यों रहते हैं बाबा मलंग लोग और कैसा माहौल है। ये देखिए अजमेर शरीफ का काफ़ी खूबसूरत प्यारा माहौल है माशाल्लाह। जारी ने ख्वाजा आज खासी तादाद में आए हुए हैं और हमारे बाबा लोग भी आए जी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बाबा लोग? महाराष्ट्र। कैसा लगा इस बार माहौल? अच्छा जी माशाल्लाह, मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक क्राउड आई हुई है माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छे से जरूरत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और इस बार दिल खुश हो गया बाग बाग। बिल्कुल बिल्कुल, जितने जन भी वीडियो देख रहे हैं भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बहुत शेयर करना, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर करना जरूर करना, बस मतलब गरीब नवाज की बारगाह से आपकी दुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये ढाई दिन का झोपड़ा है, शाम को 7 बजे के बाद ढाई दिन का झोपड़ा बंद कर दिया जाता है। और अभी देखिए जारी ने ख्वाजा खासी तादाद में ढाई दिन के झोपड़े में भी आए हुए हैं। दरबार है, पूरा गुलमा सर चुकाती है, बड़ी सरकार है, मैं क्या बताऊँ, अपना नजे मन मुर्गाने जमन
साबरी बुलबुल कलियर मेरा गुलजार है शाबाश चल तबिया करो मुर्दिया बाबली करीब अल्लाह के आओ तो कोई बात बने ईमान फिर से जगाओ तो कोई बात बने लहू तो बह गए उसको समझो तो कोई बात बने चाहो के क्या बादशाह के बादशाह लुत्फ अंबिया कर में मुर्तजा बदले पंजतन के पांच नारा एक नारा है दिली शकी पीर कादर कलंदर नम्मदार। तो जैसे कि आपको पता है मैं दरबारे करीम नवाज का मैसेज पहुंचाता रहता हूं और आज मस्तान मलंग लोगों के टोले पे आया हूं मैं माशाल्लाह। आज यहां पे खीर बन रही है पूरा जानकारी करके आपको बाद में इंटरव्यू दूंगा। ख्वाजा साहब का लाख लाख शुक्र है दुदगाने दीन का भी लाख लाख एहसान है मिस्टर खान को हुजूर पाक सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार में हाजिरी हुई और दुआ मौला से ये भी है करबला शरीफ दीन की हाजिरी जल्द से जल्द बगदाद में हो और बाबा फरीद जरिए शकर और फलिस्तीन भी जावे और मौला इनको और कामयाबी अता फरमाए इनकी ज़िंदगी में मौला तारे बुलंद अता फरमाए इनकी और ज़िंदगी में सितारे और बुलंद कर में और हुजूर के वसीले से और शहीदाने करबला के वसीले से मैं दुआ करता हूँ कि मिस्टर खान को और बढ़ोतरी दे दिन बिजली रात चौगनी मौला हुसैन के सबके में तरक्की दे और ये मस्तान मलंग जो हम लोग छड़ी वाले आते हैं उनके बारे में हर साल दिखाते हैं छड़ी किस तरह से आ रही है उनका बहुत बड़ा एहसान शुक्र अदा करता हूँ कि छड़ी के बारे में ये जो बताते हैं बहुत सही बताते हैं मौला हुसैन बहुत नमाजे और छड़ी की हर साल आने वाली छड़ियों का भी आगे दिखाते रहें और बहुत से दरबार हिंदुस्तान में ऐसे हैं मौला इनको और तौफीक दे उन दरबारों का भी दीदार सबको इसके जरिए से पहुँचाए ये हम दुआ करते हैं मौला हुसैन के सब। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मस्तान मलंग लोग किस तरह से ये लंगर बनाकर किस तरह से लोगों में तकसीम कर रहे हैं सभी जायरीन जो दरगाह शरीफ में आते हैं इस तरह से लाइन में लगकर लंगर का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा तादाद में जायरीन ख्वाजा मस्तान मलंग लोग लंबी लाइन लगा करके आए हुए हैं और बाबा गरीब नवाज की बारगाह पे लंगर लूट रहे हैं नियाज लूट रहे हैं माशाल्लाह। हमारे बाबा अपने हाथों से लंगर जारी ने ख्वाजा को बांट रहे माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत बढ़िया। तो देखिए बाबा अपने हाथों से लंगर बांट रहे बाबा मस्तान लोगों को ये देखिए माशाल्लाह। आज उर्स मेले पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लंगर बांटा जा रहा जारी ने ख्वाजा दरबारे गरीब नवाज की बारगाह पे हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी मस्तान मलंग लोग यहाँ पर आए हैं और लंगर न्याज करा रहे हैं। तो हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के जो मिट्टी शाह बाबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वहद व शरीक लहु अब्दु रसूलु मौला अपने पाक के सबके में सबको सलामत रखे। मेरा नाम हाजी मोहम्मद सफी उर्फ मिट्टी अली शाह चिश्ती साबरी अरवल मदारी जी और हुजूर गरीब नवाज का भाईजान है। इस दर पे आया हूँ सदा करने गरीब नवाज से सबके लिए भीख मांगने और हिंदुस्तान में कौमी एकता के लिए दुआए खैर करने जी। आज हुजूर गरीब नवाज की चांद की 5 तारीख है 6वीं सब लग गई। हमने जितने साल से अपनी जमात निकाली आज मुझे 13 साल मुकम्मल हो गए इस जमात को निकाले जी। इससे पहले मैं 33 साल हो गए मुझे चलते हुए 13 साल से नियाज आजी के दिन चांद की 5 तारीख को सब छट्टी की लगने के बाद में ख्वाजा साहब की छट्टी की नियाज बड़ी धूमधाम से करता हूँ। करवाने वाले हुजूर गरीब नवाज है हमारी कोई औकात नहीं है करने की ये मौला हुसैन का करम है और ख्वाजा का ख्वाजा आम है। दुआएं यही है जितने गरीब नवाज में आए हैं ख्वाजा सबको नमाजे और दीन व ईमान की खैर करे दोनों जहाँ की खैर करे और जिस मुराद से यहाँ आए हुए ख्वाजा मुरादे कबूल अता फरमावे और दुआएं मकबूल अता फरमावे हाजते कबूल अता फरमावे और सबको तरक्की अता फरमावे जो जहाँ जहाँ से आया सरकार सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। और दुआ करता हूँ घर पे जितने भी आए हुए ख्वाजा में सबको गरीब नवाज इद्दत आबरू से अपने अपने क़याम पे पहुँचावे ये दुआ है मेरी हाजत
है मेरी और सरकार सबकी लाज रखे। पूना साबरी काफला और दूसरा काफला है KND काफला, उसका सरदार नसीम साबरी और हाजी मिट्टी शाह सरदार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। एक चीज और जानना चाहूंगा कि मैं देखता हूँ आप लोग कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे पूना हो, चाहे जिंदा शाह मदार की बारगाह हो, चाहे अजमेर शरीफ हो, मैं देखता हूँ कि आप लोग कब्रिस्तान में रहते हो, ऐसा क्यों बाबा? मस्तान लोग कब्रिस्तान में क्यों रहते हैं? देखिए, आशिकी का जज्बे जुनून है ऐसा, वीराने को सजा बैठे हैं ये फकीर, वीराने को सजा बैठे हैं फकीर, क्या बात है, ख्वाजा के दर पे लाखों की तकदीर बना बैठे हैं, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो अभी तक मेरे यही सवाल बना रह गया बाबा, देखिए ये एहसान है अल्लाह के बलियों का, फकीरों को कब्रिस्तान प्यारा, बियावान प्यारा, शहर ना है प्यारा, कब्रिस्तान है आखिरी सफर हमारा, जी आखिरी सफर है कब्रिस्तान हमारा, ऐ मोमिनो इस कब्रिस्तान में आना जरूर है, कब्र में जाने से ना घबराओ, मौला का बुलावा एक दिन आना है, जाना जरूर कब्र। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कब्रिस्तान की जिंदगी बहुत माशाल्लाह जिंदगी है, जीती जिंदगी न रहे हो कब्रिस्तान में, और जन्नत सजा बैठे हैं सारे मलंग कब्रिस्तान में, ये खुदा की कुदरत है, खुदा जाने खुश नसीब है जो कब्रिस्तान में सोए हैं, जो मलंग दुआ कर रहे हैं कब्रिस्तान पे, खुश नसीब है वो मरहूम जिनके जिनकी चौखटों पे, जिनके रोजे पे दुआएं खैर हो रही, मौला उनकी भी नवाजिश करम अता फरमाए, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, जितने भी दुनिया से जा चुके हैं मौला अपने महबूब के सदके में जन्नत में आला से आला मुकाम उनको अता फरमाए। एक और चीज जानना चाहूंगा, ये लंगर आप करवा रहे हो, ये कितने साल से करवा रहे हो और कब तक यहाँ रुकेंगे आप लोग, कितने दिन रुकते हो? वैसे तो गरीब नवाज का करम है भाई, जो आम है, हमें अपने पीर मुर्शीद हजरत सैयद जमालुद्दीन बाबा गरीब शाह साबरी के काफले में चलता था, मुझे 33 साल हो गए करते हुए ये, और 13 साल से जो है मेरा लंगर अलग हो रहा है, 13 साल मुकम्मल हुए, इससे पहले हम 11 साल कमरे के अंदर थे, वहाँ लंगर बनाते थे, हुजूर गरीब नवाज के दरबार में सफाई करने वाले और फूल उठाने वाले 16 खम्बे में ले जाके लंगर तस्कीम करते थे जी। और 2 साल से जब मैंने यहाँ काफिला लगा लिया मुकाम, तो उस दिन से यहाँ लंगर हम तस्कीम करने लगे। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर बाबा आप कब से लंगर ये बनाते हुए आ रहे हैं? एक और चीज बाबा जी, कि ये जो आप लोग यहाँ पे कितने दिन रुकेंगे, कितने दिन रुकते हो? कम से कम मेरा चांद की 11 तारीख तक कयाम होगा, 11 तारीख को आखिरी लंगर होगा और चांद की 10 तारीख को विदाई का लंगर होगा। एड्रेस क्या होगा, एरिया का नाम क्या है? इसका एड्रेस है जालीवाला कब्रिस्तान, काली मस्जिद, अंदर कोट, अजमेर शरीफ। तो बाबा एक चीज लास्ट हमारी बात रह गई थी, वो हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम मिट्टी अली शाह बाबा क्यों पड़ा? ऐसा है, आज से 30 साल पुराना दौर है जी। 30 साल पहले मैं जंगलों में रहता था जी, और कब्रिस्तान की पहाड़ों की मट्टी खाना मेरा था, क्योंकि कब्र में जीते जी मैंने कई चीजें करे जी, और सवा किलो मट्टी की मेरी खुराक थी, कोई जमाने में जी खाना नहीं खाते थे, तन पे कपड़े भी सिले हुए नहीं पहनते थे जी, बाद में दौर बदलता गया, मेरे लिबास पहना, इसीलिए मट्टी खाने में हजरत हमारे पीरो मुर्शीद जी मट्टी कलियर में, मैं मट्टी खाता था जंगलों में जाके, तो पीर साहब भी मिट्टी शाह का मिट्टी का खिताब दिया, और एक पूना के महाराष्ट्र के अंदर जिला सोलापुर के अंदर एक बुजुर्ग हयात है, उनके यहाँ मैं गया और उनकी मजार पर मैं 786 दरगाह की मैंने मट्टी रखी, हजरत आला सैयद अली चांद पाशाह की कब्र में 786 दरगाह की मट्टी रखे ले जाके, तो वहाँ से भी लकब मिट्टी शाह का मिला, बोले आप मिट्टी बहुत खाते, आपका नाम मिट्टी शाह होना चाहिए। क्या बात है, मिट्टी का मतलब हजरत अली मिट्टी के बाप है, जीती जिंदगी भी मट्टी, मरने के बाद भी मिट्टी। क्या बात है, मैं खुद चलती फिरती एक हूँ मट्टी। सुभान अल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए और भी लोग यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए आप लोग? कैसा लगता है मस्तान लोग लंगर कराते हैं? कैसा लगता है बाबा मस्तान लोग लंगर कराते हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है बाबा, सरकार में सुकून मिलता है। क्या बात है,
देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पर भी नजर मारेंगे आप लोग, पूरा ये कब्रिस्तान सजा हुआ है। ये पूरा कब्रिस्तान एरिया इसलिए सजा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पूरे मस्तान मलंग लोग आते हैं, अपना धमाल करते हैं और अपना। हाँ भाई बढ़िया बढ़िया, आपकी दुआ है भाई। देखिए यहाँ पे पूरा मस्तान मलंग लोग रात को कुछ इस तरीके से रहते हैं, कब्रिस्तान में ही रहते हैं। पूरा जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ का दे दिया है। ये देखिए बाबा मलंगों का धूना ऊपर लगा हुआ है, ये देखिए सुभान अल्लाह मस्तान लोग लगाए दम। ये हमारे मस्तान बैठे हुए देखिए, बढ़िया बढ़िया। देखिए हमारे मस्तान मलंग लोग कुछ इस तरीके से सादगी से रहते हैं और सादगी से रहना पसंद करते हैं। ये हमारा इमेज शरीफ का बोला बाबा। बढ़िया 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 भाई बढ़िया। ये देखिए यहाँ पर भी लंगर चल रहा है। देखिए पूरा माहौल, चाय की दुकान लगी है यहाँ पर भी। देखिए यहाँ पर भी लंगर हुआ था, बढ़िया भाई बढ़िया। ये देखिए बाबा लोगों का धूना है, अभी यहाँ पर चाय वगैरह बनाई, फातिया खरी गई। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत माहौल माशाल्लाह, बढ़िया बढ़िया। ए संभाल के आया, आपसे तो मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे लंगर का इंतजाम करा जा रहा है मस्तान लोगों के लिए। ये पूरा कब्रिस्तान एरिया है, ये देखिए पूरा कब्रिस्तान कुछ इस तरीके से आबाद हो जाता है। देखिए हर साल की तरह सुभान अल्लाह। मिस्टर खान यूट्यूबर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई हमारे से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्या बात है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर करते रहिए। आ जाओ बाबा आ जाओ। तो ये देखिए पूरा कब्रिस्तान एरिया है, पूरा सजा हुआ है कब्रिस्तान एरिया। हर जगह मस्तान मलंग लोग आप लोगों को दिख जाएंगे। ये मस्तानों का डेला लगा हुआ है देखिए, और मस्तानों की दुकान भी लगी हुई है देखिए। ये हमारे मस्तान मलंग लोग अपना धोने पे अपने सामान वगैरह बेचते हैं। हाँ हाँ मिस्टर खान यूट्यूबर, बढ़िया बढ़िया बाबा। ये देखें यहाँ पर कितनी सारी कप रखी हुई है और यहाँ पे धूने पे चाय बन रही है माशाल्लाह, और हमारे बाबा खिदमत को अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। कैसा है माहौल इस बार? बहुत अच्छा है सुभान अल्लाह, मतलब करम है माशाल्लाह। तो हर साल की तरह इस साल भी माहौल हो रहा है। कैसे हो बाबा? बढ़िया। तो अपने धूने पे ही चाय बनती है? हर धूने पे चाय, मतलब जहाँ जहाँ मस्तान है वहाँ वहाँ चाय धूना है। क्या बात है, क्या बात है, बेशक। अरे वाह वाह, बेशक बेशक, ख्वाजा जी की फौज कर रही है मौज। आप देखिए आप जहाँ पर भी नजर मारेंगे कुछ इस तरीके से आपको लंगर आम आपको जगह जगह नजर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जगह जगह आपको धूने सजे, वालेकुम सलाम खैरियत। यहाँ पर जगह जगह आपको बाबा मस्तान लोगों का धूना सजा हुआ नजर आ जाएगा। देखिए माशाल्लाह काफी खूबसूरत प्यारा माहौल है। सब खैरियत, कैसे हो? ठीक है भाई। कैसा है माहौल इस बार? बढ़िया है माशाल्लाह। ये देखिए हमारे बाबा मिल गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है माहौल? और करम की बात है। तो आज तो खूब कब्रिस्तान को सजा रखा है आप लोगों ने। तो सरकार की छठी है जी, अजमेर को दुल्हन बनाया हुआ है बेशक। हर फकीर जनून में है जी, जौस में है। और ख्वाजा में कल को अपने अपने छुरी हथियार लेके चढ़ गए, तो दे गरीब नवाज। ठीक है बाप, बहुत बहुत शुक्रिया।